हम एवरीवन जाजिब हियर एंड इस बार हम मोटोक्रॉस का व्लॉग बना रहे हैं प्रॉपरली और अभी सारी तैयारियां पूरे दो हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं। मैंने अभी आर्क सेट अपनी सारी बिल्ड की है, सुजुकी कैपेचिनो इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस के अंदर। एंड बोथ ऑफ दीज कार्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द मोटोक्रॉस जो कि आज हो रहा है 30 मार्च को। हाँ, आज 30 मार्च है। तो अभी मैं आया हुआ हूँ फास्ट ट्रैक्स कोरियर और हमने थोड़ा सा सामान लेके आए हैं, विच इज़ बाद में खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम घर की छोटी लाडो रानी के ऊपर जा रहे हैं और वर्कशॉप, क्योंकि हमारी गाड़ी एडमिट हुई हुई है दोबारा से वर्कशॉप, उसके कॉयल ओवर्स चेंज हुए हैं, उसके बाद उसके अंदर हमने 6-पक क्लच डाला है और अब हम कुछ मसले और आ गए थे टेस्ट रनिंग के वक्त, तो हम ज़रा जाते हैं और डॉक्टर साहब के पास जाके देखते हैं क्या हाल है हमारी गाड़ी का। वर्कशॉप पे और गाड़ी अपनी आगे खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी हुई है? बैड सीन भी हुआ हुआ है हमारी, एक लाडो का इशू हुआ हुआ है। जी अब्दुल्ला साहब, क्या बना हमारी रानी का? सामान तो आ गया है ना, दसो बहुत बुरा हाल है, कम पै गया। चलो प्रोग्राम बढ़ गया। की हो गया है, किधर गया सब कुछ? क्या टाइम हो रहा है और गाड़ी की हालत? टाइम 12:20 है, इंस्पेक्शन के लिए भी जाना है, 5:30 बजे से गार्डन पहुंचना है और पूरा प्रोग्राम बड़ा हुआ है। किधर है? कार अनबॉक्सिंग। ये सामान लगाना भी है ना आज, जिसको लगाते हैं गियर लग गया आज। हाँ जी, क्या चीज़ है ये यार? ये उसकी हुड पिन आ गई, हुड पिन के बाद ये मेरा ख्याल है ये BOV है, ये एक BOV, एक ये छोटू वाला, ये कूपन का किट है। हाँ, ये कूपन का आ गया। इतना सामान, ये इसके लिए या तो कूपन को ये लगाएंगे या उसको लगाएंगे। चलो वो दोनों में से सेट कर कैपेचिनो को, लेकिन मेरा ख्याल है कि कैपेचिनो को वो लगाते हैं, मुझे भी वही लग रहा है, वो वाला लगेगा। हां, ये बूस्ट की केज, बूस्ट की केज हो गया एंड आई थिंक दीस आर द बूस्ट कंट्रोलर्स। हां वो, हां बूस्ट कंट्रोलर किधर है? इसी में होगा वो, है ना हमारा बूस्ट कंट्रोलर का, बूस्ट कंट्रोलर का टियाल का बीओ भी है ना इसमें। हाँ जी, सर जी वो बूस्ट कंट्रोलर का सर सामान है। हाँ, ये तो टियाल का ही आरएक्स सेट के लिए है ना। साहब जी ने बूस्ट कंट्रोलर ही नहीं भेजा। नहीं, बूस्ट कंट्रोलर बड़ा होता है अपना डिब्बा उसका। नो बूस्ट कंट्रोलर। नहीं, इंतज़ार के बाद बूस्ट कंट्रोलर नहीं आया। अब्दुल्ला साहब, व्हाट इज हैपन? अब इससे BOV आया है और बाकी कुछ BOV ही आए हैं, ठूस ठूस के नहीं वाली आवाज़ें, उनका खाली सिस्टम है। मैं अपनी गाड़ी को देखता हूँ क्या हालात हैं, कूपन तो देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल एंड टाइम पे पूरे ज़ोर से सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, प्रोग्राम जो होता है ना, टेस्टिंग भी बढ़ गया। हर एक सेट को देखते हैं। ये MRT खड़ी हुई है गाड़ी अप फॉर ऑपरेशन, फिर हम जाते हैं SQ2 वर्कशॉप जो बराबर में है, वहाँ पे हमारा काम हो रहा है। सेंट्रो के बाद और फिर ये आ गई हमारी नो रोटरेट। शेख साहब खड़े हुए हैं। हाँ जी, सही मॉडल बन के खड़े हुए। आंसर साहब, की बना? कुछ हो गया, हो गया, हाँ। हो गया अभी मंगवाई है। चलो बस अब सेट होती है सारी है। मिट्टी मिट्टी जापानी, पहली हिंदुस्तानी थी मैंने, चल बाकी 4GR सेटअप
एयर इनटेक, कोल्ड एयर इनटेक है और बाकी सारी मैं आपको ना इसका एक प्रॉपर ओवरव्यू देता हूँ कि गाड़ी में है क्या क्या, ज़रा फिटिंग कर लेगी। लो जी गियर लग गया है अब्दुल्ला साहब का। हाँ मेरा लग गया गियर, इसका लग भी गया, इसके लग भी गया, तेल शेल पूरा हो रहा है और बारिश पड़ गई है और ये जो है ना स्लिक ये काम नहीं करेगा बारिश मेरे हिसाब से। हाँ जी अब्दुल्ला नहीं चलेगा ये स्लिक, चलेगा नहीं तो ड्रिफ्ट मारना शुरू कर देना रिवर्स में गाड़ी भगा, चलेगा बिल्कुल ठीक है। अलाइनमेंट करानी पड़ेगी। चलो बाकी अपनी गाड़ी का सीन ही है कि क्लच हो गया, अभी दिखाते हैं। हाँ जी फास्टैग की चाबी मेरे पास, वो आपके पास है, रात को भी आप जेब में डाल के ले गए। बारिश हो रही है, पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। अंसर साहब जो हैं वो क्या बात है, क्लच सिलेंडर है वो नहीं मिला टाइम से, तो उसी के अंदर नई किट डाल के रवाना कर दिया है और सब छोड़ो बॉटल का सिस्टम हमने ना जरा इसको आईजी लगा दिए, इतना पतला पाइप कंप्लीट है हूं की रह गया बैठना रह गया। लो जी हो गई ये सेट गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्लच इज वर्किंग फाइन, ये हमारा एक्स्ट्रा रिम सेट पड़ा हुआ है, एक डिग्गी में रिम टायर है और उसे फ्यूल बहुत कम, कम प्रो मैक्स ये दे थल्ले ले लेट्स गो। एक तो ये सिक्स पक क्लच जो है ना इट्स वेरी हार्ड टू ट्राई, इट्स अ वेरी जर्की मोशन। फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर इज वेरी हार्ड टू ड्राइव ऑन अ सिक्स पक क्योंकि इसका क्लैंप फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ठक करके लगता है जाके, उसके बाद गाड़ी पूरी पूरी पावर जो होती है ना स्लिपिंग बाई निश्ता रोड़ा नो स्लिपिंग। लो जी हम रेडी हैं, क्लच वगैरह रेडी है, गाड़ी शदीद गंदी है मगर अब पहली देर हो गई है, वो हमारी कैपेचिनो भी रेडी है। ओ यार एसक्यू टून का लगा लो बोर्ड, टूंड। चलो जी निकलते हैं, बहुत देर हो गई है, 5:30 हो गए। लेट्स गो। फुल करवाया था मगर वापस आते आते खा गई। चलो लेट्स गो, इसका रिवर्स फर्स्ट में लगता है। ये हमारी खड़ी हुई आप सुजुकी कैपेचिनो और वो अंदर कोने से देखेंगे हमारी है LATT 1300 टर्बो, वन ऑफ द फास्टेस्ट कुकिंग इन पाकिस्तान। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि बस वो गाड़ी ओके हो जाए, तो AFR सेट हो जाए। हमारे साथ ये वीडियो वाले भाई भी हैं, इनकी N1 भी है जो कि कंप्लीट करेगी जस्ट फॉर फन, तो ये सीन चल रहा है। बाकी हम ऑब्वियसली बहुत लेट हो गए इस टाइम के ऊपर और पहुँचेंगे, इंस्पेक्शन होगी, लेट्स सी अभी बस पहुँचो। बस मैं ज़्यादा एक्सटीरियर शॉट्स नहीं ले पा रहा, वहाँ पे कोई मेरे ले लेगा तो देख लेंगे, नहीं तो मेरी शक्ल देखोगे आपने सड़क की शक्ल देखोगे। ठीक है तो जी फ्यूल अप के लिए रुके हुए, सारा लाइन अप खड़ा हुआ है और ये आ गई हमारी कैपेचिनो। तो ये सारे पहले लेट हैं, मैं तो फ्यूल डलवा के रेडी हो चुका हूँ और वो हबीबियन जो है वो व्लॉगिंग पे शूट कर रहा है, कहाँ गया वो सामान खाने के लिए नहीं है अभी भी। चलो तो जी इतना लेट हो गया कि बस इफ्तारी का टाइम हो गया है, चिप्स जूस पकड़ लिए हमने और तो रास्ते में चलते चलते ही खोल रहे हैं रोज़ा, वेरी लेट। We'll be right back.
10,000 स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरना है इस इलाके में। की इंतजार पे है गया, व्हाट इज हैपनिंग, गाड़ी चेक हो रही है, क्या हो रही है, इसके पीछे ना पीछे है जिसकी लाइटों की वजह से कुछ नजर नहीं आएगा अभी। तो हम आ गए हैं, ओह माय गॉड, गंदे के अंदर, और RX-8 1.3 टर्बो और तैमूर भाई ऑन द रन, हमारी सारी गाड़ियाँ जमा हो रही हैं, वो कैपेचिनो आ गई है, और ये ऐसे गार्डन हम पहुँच गए हैं सारे, यहाँ पे सिस्टम वगैरह हुआ है मगर फिलहाल हम ही लगता है। सारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन हो गई है, बोनट खोल के, रिम चेक करके, कैलिपर्स चेक करके, वो टीम आती है, ओके करेंगे, और फिर सारे ओके करेंगे, रेस बोलेंगे, फ्री बोलेंगे। आप हारने के लिए तैयार हैं? मैं तो एंजॉय करने आया हूँ, जी तो यहाँ हारो यार, आई डोंट केयर यार, तुझे पता है 30 में से 29 गाड़ियाँ, 30 की 30 पहुँच गई है, मैं ये ना कल रात तक 27 गाड़ियों का हालात थे, कल रात तक जो थे ना वो 28 थी। अच्छा, और हम सारे पहुँच गए और अलॉट हो गए हमारे नंबर्स, मुझे मिला है 401 और शेर यार तुम्हें कौन सा मिला है? 601 की कैटेगरी है ये। अब इस हम ट्रैक को देखने जाएंगे, शेर यार भंड के रख रहे हैं। Yes, on this auspicious day they're gonna be wrong. तो यार अभी हम ट्रैक को दिखाते हैं आपको, सारा सीन जो है ये चेक करें, बहुत ग्रिपी है, पाओ देखो तुम आपसे जूता करोगे गिर जाएगा, ड्रिफ्ट क्या करेगा बंदा सोच के इस पे। बात सुनो, हमने ड्रिफ्ट किया था इस ट्रैक के ऊपर यार, तो गंडा है कोई कपड़ों का वजन करना है यार, नो डॉट नटी वर्ड्स। ये आ गई E63 AMG ड्यूल्स ऑफ RX-7 जीजी टर्बो एंड ऑल दैट, यानी कोर RX-7 Evo, beautiful color mint, night purple, blue. What are you doing? Bilal. Assalamu alaikum, Mr. Wilson. Kya hal hai? ठीक है? यह पूरी track का track category सारे ready हैं and everything is lit right now. सारे कप्पे मार रहे हैं, जुकते मार रहे हैं. Let's see, event अभी inspection के बाद शुरू होता है। बारिश रुक गई है, सारे बाहर आ गए, मैंने पहले बारिश के लिए सारे अंदर छुपे थे, अभी भी बादल गरज रहे हैं, ट्रैक इज वेट, लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन स्टिल बादल लाइटनिंग। भाई जान जल्दी जल्दी इससे पहले उठ जाऊं यार, मैं देखना चाहता हूं आप को उठते हैं, कितने के टिकट आपने, आई एम पेड वो शेर, तू छलांग मार फिर से, सर्दी हो रही है, हवा चल रही है तेज, फिर बारिश शुरू हो गई है, आज मुझे लगता है मुश्किल ही ट्रैक होगा, हो भी जाएगा मगर सही जो है ना फुल से। लो जी, हमें बस एंड टाइम पे ये अनाउंसमेंट हो गई कि ट्रैक जो है वो अब
कल होगा ऑटो क्रॉस, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही थी और वेट ट्रैक के ऊपर हम लोग नहीं चला सकते थे। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, हम फॉरन कंटिन्यू करेंगे डायरेक्ट ट्रैक पे। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। मैं वैसे कोई फ्रीक्वेंट पोस्टिंग नहीं करता।